कोटड़ा पहुंचा अयोध्या से पूजित अक्षत कलश शोभा यात्रा 28 दिसंबर को, जिसको लेकर हुई तैयारी बैठक। उदयपुर जिले के सुदूर जनजाति क्षेत्र कोटड़ा वासियों के लिए भी राम भक्तों का रामलला से बुलावा आ पहुंचा। यहां निमंत्रण के लिए पूजित अक्षत कलश कोटड़ा पहुंचे, जहां 1 जनवरी से 10 जनवरी तक 10 दिनों तक राम भक्त गांव-गांव पहुंचकर घर-घर भगवान श्री राम का निमंत्रण देंगे। गांवों में रामलला की पूजित अक्षत का वितरण होने वाला है। यहां विशेष रूप से क्षेत्र में करपत्रक पूजित अक्षत का वितरण किया जाएगा। साथ ही कोटड़ा में 28 दिसंबर को भव्य शोभा यात्रा के साथ आए अयोध्या से पूजित अक्षत कलश का भव्य स्वागत भी किया जाएगा, जिसकी तैयारी को लेकर आज कोटड़ा के वनवासी कल्याण परिषद में हुई बैठक, जिसमें झाड़ोल विधानसभा क्षेत्र के संयोजक कालूलाल कलाल, प्रधान सुगना देवी, हिम्मतलाल तावड़, बाबूलाल पारगी, सुरेंद्र सिंह, हररतन डामोर, वासुदेव त्रिवेदी, खुमान सिंह ग्रासिया, नरेंद्र कुमार प्रजापत, दलपत सिंह राव, पूरन मल प्रजापत, तुलसीराम प्रजापत, मानक लाल प्रजापत, रणमल जी, सुभाष चंद्र माली, राजेश लक्षकार सहित कई सनातनी बंधु व राम भक्त यहां मौजूद रहे। राम भक्तों ने पूजित अक्षत कलश को ग्रहण किया व पूजा अर्चना के साथ राम मंदिर में स्थापित किया। 28 को भव्य शोभा यात्रा के साथ इस कलश को नगर भर में भ्रमण करवाया जाएगा। साथ ही घर घर आम जन व राम भक्तों को निमंत्रण देकर अयोध्या से रामलला का आया है बुलावा। से जो पूजित अक्षत आए उसका अभिनंदन किया गया झाड़ोल खंड कोटड़ा खंड की पूरी टोली ने, और कोटड़ा के सभी गांवों में हर घर घर तक अक्षत पहुंचाने की योजना बनाई गई आज, और 1 तारीख से 10 जनवरी तक के बीच में हर प्रत्येक सनातनी के घर में ये टोली जाएगी और अक्षत करपत्रक और मंदिर का चित्र ये प्रत्येक परिवार को भेंट करके आएगी, और प्रभु श्री राम मंदिर के दर्शन के लिए हर घर घर नौता भेजा जाएगा। 1 जनवरी से 10 जनवरी तक का यह कार्यक्रम रहेगा। इसके लिए आज जो एक मंगल कलश आया है उसकी शोभा यात्रा भी तय की गई, और 28 तारीख को कोटड़ा नगर में शोभा यात्रा निकलेगी। उसका समय 1 बजे रखा है, यहाँ के नगर के सभी कार्यकर्ताओं ने 1 बजे का समय रखा है, और प्रत्येक मंदिर पर उस कलश को ले जाया जाएगा। धन्यवाद।